मैं हूं जिशान जिलानी। बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन है, सभी को पता है। तो आइए हम आपको एक पहले वीडियो दिखाते हैं। यह खाकी वर्दी वाला, जिसे आप पुलिस कहते हैं, यह खाकी वर्दी हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान की एक पहचान है। लेकिन कुछ लोगों ने इस वर्दी को ओढ़कर दुनिया के सामने अपने करैक्टर, अपने करियर को इस तरह दिखाया है कि दुनिया इसे बुरी नजर से देखती है। एक गरीब सब्जी वाला सब्जी लेकर बैठा है, पुलिस वाले उसके सब्जी को डंडे से फेंक रहा है, यहां तक कि उस सब्जी में लात मार के फेंक रहा है पुलिस वाला। जो सब्जी इंसान खाता है, जिसे खाकर पलता है, जिसे जीता है, उसमें लात मार रहा है। इससे घटिया और क्या बात हो सकती है कि सब्जी में एक पुलिस वाला लात मार रहा है, वो भी एक गरीब इंसान के साथ। एक रुपए दो रुपए की एक केजी भिंडी बेचने के बाद, बैगन बेचने के बाद, मिर्चाई बेचने के बाद उस सब्जी वाले को फायदा होता है। बहुत ही छोटे लोग होते हैं सब्जी बेचने वाले, बहुत ही गरीब और कमजोर लोग होते हैं सब्जी वाले। ये पुलिस वाले कभी किसी कंपनी के मालिक पर डंडे नहीं चला सकते, किसी कंपनी को नहीं उजाड़ सकते हैं, किसी बड़े फैक्ट्री को नहीं उजाड़ सकते हैं। ये ठेले वाले बाहर रोड के किनारे चट्टी बिछाकर रोजगार करने वाले, इनके ऊपर ज्यादातर डंडे बरसाते हैं, इनके काम को नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल ऐसा हुआ क्यों पता है? यह लॉकडाउन का नतीजा है। लॉकडाउन मेरे समझ से, मेरे ख्याल से किसी चीज का हल नहीं है, हरगिज नहीं है। पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था, 500-500 रुपए खाते में डालकर सरकार ने अपना काम निकाल लिया, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ है गरीब इंसान का, ये सरकार को पता नहीं है। एयर कंडीशन के घर में रहने वाले को इसकी कोई खबर नहीं है। जहाज में उड़ने वाले, प्लेन में चलने वाले, ट्रेन में चलने वाले, एसी बंगलों में रहने वाले की इसकी कोई खबर नहीं है कि एक गरीब इंसान, गांव देहात में रहने वाले इंसान के साथ उस एक साल का लॉकडाउन का क्या असर हुआ है। बहुत लोगों ने फांसी ले लिया, जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया, फिर लॉकडाउन। अगर कोरोना से जब मरना ही है तो फिर ये लॉकडाउन क्या? जब ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं है। अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, हर गरीब इंसान के खाते में आप 5 से 6 हजार रुपए उनके जीने के लिए, खाने के लिए उनके खाते में डालिए। वो 500 रुपए से काम चलने वाला नहीं है जो पिछले बार दिए थे। इस बार तो कुछ भी देने का वादा नहीं है, लेकिन मैं राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो हर एक के खाते में 5 से 6 हजार रुपए डालिए। वो गरीब इंसान जो मजदूरी करके अपना घर चलाता था, सब्जी बेच के अपना घर चलाता था, आज वो बेबस है, लाचार है, कहीं का नहीं है, खाने को तरस रहा है, दिन को खा रहा है तो रात को भूखे सो रहा है। देश की यह हालत तो पहले ही थी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही थी कि आज देश की हालत यह है कि इतने लोग एक टाइम बगैर खाए सो रहे हैं, रात को भूखे सो रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद तो उसमें और ही ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। पहले अगर कुछ लोग भूखे सो रहे थे, उसका तो अब 2 गुना हो चुका है। हम अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरे इस पैगाम को आम कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।